Hey guys, what's up? What is up? What is up? तो अब हम लोग दिवाली मना के और अपने सारे फेस्टिवल्स खत्म करके अच्छा वो पहले तो ये कर रहा था ना. Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. और आज हम एक नया व्लॉग बना रहे हैं. हम जा रहे हैं देहरादून. हम जा रहे हैं देहरादून. अदिति की क्या है एग्जैक्टली एंगेजमेंट है अदिति की. अरे मतलब एग्जैक्टली क्या है उसको क्या नाम दिया है क्योंकि कार्ड में शादी लिखी हुई है एंगेजमेंट जो फ्लायर आया. हाँ तो मतलब ठीक है. तो हम लोग जा रहे हैं और ये आई है फजिल्का से दिल्ली और मैं दिल्ली से. तो हम लोग बस में जा रहे हैं देहरादून से चंडीगढ़. तो हम लोग जा रहे हैं देहरादून और अभी हमारा पहला स्टॉप है तो हम कुछ खाने के लिए रुके. ठीक है मेरा पहला स्टॉप नहीं मेरा 11वां 12वां स्टॉप है. अब हम आ गए बस में वापस. मेरी शक्ल पर बहुत ज़्यादा दाने देखो. दिल्ली का वो मेरे को सूट नहीं किया वेदर. मुझे बोलते कि भी तुम्हारे ठीक हो गया फेस. वो लाइट का फर्क होता ना थोड़ा. फिर क्या रहा मसूरी का सेट नहीं आया होटल. क्या रहा मसूरी का होटल का. वो कह रहे हैं स्वीट अवेलेबल है. क्या अवेलेबल है स्वीट. बाद में बताऊंगी तुम्हें. स्वीट अवेलेबल है हम स्वीट ले लेंगे. तो हम जाएंगे देहरादून वहाँ अदिति की एंगेजमेंट अटेंड करेंगे. अगले दिन हम जाएंगे मसूरी. डिंग 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 मत. गाइस हम ऑलमोस्ट देहरादून पहुंच गए हैं. हम पूरे देहरादून तो पहुंच गए हैं मतलब अपने अभी वहां बस स्टॉप पे नहीं पहुंचे. सो गए तो पूरे रास्ते. वाह मैं नहीं सोई भाई पूरे रास्ते यही सोते हुआ यार. क्या कर रहे थे तो पूरे रास्ते. जब मैं सो रहा था क्या कर रहे. मेरे को नहीं नींद आती ऐसे. शक्ल तो दिखा रहा आगे जो आगे लास्ट कार की आ गए. चलो कार की हम पहुंच गए. देखो भाई उड़ जाओ भाई खाली दो आगे भाई. चलो अब रास्ते अब तुम्हें देहरादून दिखाई. तो गाइस वो हम पहुंच गए हैं. देखो हमारा सामान देखो अब. और हम वेट कर रहे हैं सारंग का जो कि अदिति के होने वाले हब्बी हैं. हब्बी होने वाले हब्बी जी. मैं तो कभी शादी ना करूँ भाई. क्या बकवास ही है ये बात. हाय एंड द क्रैंक. हाय 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 थैंक यू. हाय निखिल हाय बोल कैसे हो. हाय हाय मैंने देखा मैंने कहा पता नहीं यहां कैसे आ गई. देखो देहरादून में. बोल बोल क्या बोल रही थी. बोल कोई काम खुद नहीं करता ये सारे काम मुझसे करवाता है. थैंक यू बोलो तुम. आगे मेन जो बोल रही थी वो बोलना. ये तो इतने में छोटा कर दिया तूने. पहले तुम थैंक यू बोलो. मैं बताऊं क्यों बोलना. थैंक यू सो मच. क्यों बोला. ये मेरे सारे काम करती है गाइस. सारे काम मतलब जैसे मेरे से ऐसे ये कोऑर्डिनेशन फोन करना लोगों को ये सब नहीं होता है. और प्लानिंग करना ये सब मेरे से नहीं होता. और इसको इतना नहीं हुआ कि खुद सारंग को अदिति को फोन कर ले. और अभी सारंग ने जब खुद चला के फोन किया इसको तब भी फोन उठाते हुए मुझे बोल रहे हैं यार गाइस मेरे से नहीं होता ये सब. मैं कोऑर्डिनेट नहीं करता. देखो ये नहीं पसंद लोगों से. ये एक तरीके से मेरी पर्सनल मैनेजर है. ये मेरी सेक्रेटरी भी है ये. तो अगर 1% बैटरी है मेरी बार जेब से निकाल के देख रही हूँ मैं. ये देखो मैंने विश्वास नहीं है तो ये देखो 1% ओनली. इसमें लगी हूँ मैं कब से. छोटी बच्ची है क्या. बस मैं फोन रखा भी मांगा इसके लिए ब्लॉग बनाने के लिए. मतलब कि भी अगर मैंने अपने आप को फोन किया कभी और तुम्हारा मूड नहीं अपने आप को क्यों फोन करेगी बात करनी.
तुम्हें फोन किया मैंने कभी? मैंने तुम्हें फोन किया? अनवेली अनवेली तुम्हें फोन किया कभी मैंने? सुन लो मेरी पूरी बात। सुन लो, रणबीर कपूर ने नेशनल टेलीविजन में आलिया भट्ट को थैंक यू बोला था, इससे थैंक यू नहीं बोल रहा था मेरे को। पहली बात मैं रणबीर कपूर नहीं हूँ, दूसरी बात मैं नेशनल टेलीविजन पे जाऊँ तो सही बात है। काम तो वैसे ही करवा रहे ना सारे असिस्टेंट वाले मेरे से। बढ़िया है ना, एक ही हाथ में। हे गाइस, तो हम आ गए। ओहो, हमें लेने आए सारे। ओहो, ये चल रहा है क्या? हाय ब्लॉग, और उनके जीजू। जीजू हाय कर देना। हाय हाय, हमारे जीजू अपना हाथ दिखा, देखो इसने मेहंदी लगाई अपना हाथ दिखा। ए अदिति का सारा इसको उल्टा करना पड़े रही। ओ कोई नहीं, तेज बोल आवाज में अभी लोगों को। मैं अपना वॉलेट अपनी मम्मी के पास छोड़ आई हूं, और मैं फाजिलका से दिल्ली, दिल्ली से देहरादून, देहरादून से मसूरी, मसूरी से चंडीगढ़ या कहीं पे भी पता नहीं, अभी दिल्ली वहाँ पे मेरे को भी अभी मेरे को 5-6 दिन रुकने वॉलेट के बिना। वॉलेट नहीं है मेरे पास, मैं छोड़ आई हूँ 500 रुपए मम्मी ने मुझे। नहीं, मेन बात बोल जो बोलने थी वो। वो भी मम्मी ने 500 रुपए मेरे को कहते ऐसे रख लिए, मैं बस कैश ना लूँगी, और मैंने चेक भी नहीं करा। तो मैं कह रही हूँ कि मुझे जब निखिल मलिक साथ में नहीं होता है होते हैं तो मुझे बहुत एंजाइटी होती है, और मेरे को कुछ ही प्रॉब्लम नहीं हो रही है, मेरे को पता ही मेरे साथ है अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। वो कौन सा गाना है? यही होटल है ना? जी होटल। आई डोंट नीड नो जी थ्रिल्स, मैंने गा के सुना। देख रहे हो, ये मेरे से थैंक यू थैंक यू जो बुलवा रहे थे उसका। थैंक यू। चलो अब तुम समझ ही गए, वी कंप्लीट ईच अदर। अभी चल ड्रामा कर रहा था मैं। तो गाइस हम रेडी हो गए हैं और हम आ गए हैं शादी। बच्चों ने ला के दिए क्यूट क्यूट फ्लावर्स, और अब हम जा रहे हैं वापस होटल। सारा फंक्शन खत्म हो गया, गाड़ी आ गई है, चलो चले, बाय बाय। सो गाइस डे टू, हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अब हम अदिति के घर जा रहे हैं। सारंग के घर जा रहे हैं हम। अब हम सारंग के घर जा रहे हैं।
इसको डाटी देखो, देखो भाई दो भाई सब देख रहे हो प्यार प्यूर देख रहे हो इतना मेरे से तो नहीं होता इतना प्यार। फिर कैसा लग रहा है शादी के बाद ही कराना टैटू टूटू, पहले मत कराना गाइस। जो लोग मेरे को किसी ने बचपन में बोला था कि जो लोग टैटू टूटू कराते ना उनको पहले लेजर कराना पड़ जाता है, और ऐसा सच में हुआ भी है। सही करा मैंने लेट क्यों जाएंगे? अरे क्योंकि अभी हम पहले सारंग के घर जाएंगे, तुम रेडी हो गए, फिर हम तेरे घर जाएंगे, फिर वहाँ खाएंगे, फिर हम निकलेंगे। ये नहा दे मुझे 15 मिनट। तू ऐसे चल रही है, अपने घर ही तो जा रही है। अबे नहाने तो दे बस, अपने घर जाके नहा रही है। अब तू सारंग घर आएगी? वाह वाह वाह, तेरे एक दिन में रंग बदलू। शाबाश। सुन ना, नहाने को फिर खाना खा के घर से स्कूटी लेके तुम वहीं से सीधे रिंग हो जाना मेरे। वहीं करेंगे हम, कौन सा वहीं वापस। 45 मिनट्स का रास्ता है मेरे घर से। ठीक है, कपड़ा मार यार, मत बुला पान दो। बोला सब्जी रोटी दो तुझे? नहीं बस थैंक यू। मैं तो दिखाएंगे अदिति की शादी दिखाएंगे तुम्हें। देखो यार सीधी बात में एंगेजमेंट, भाई देखो सीधी बात ये है कि कुछ इतना था नहीं यहाँ पे और हमें इतना घूमे भी नहीं जो मैं तुम्हें दिखाऊं। अब हम जाएंगे मसूरी तो वहाँ पे हम लोग करेंगे साइट सीइंग और ये सब और वो सब, तो फिर वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अभी हम जा रहे हैं कैब में, हम जा रहे हैं अदिति के घर, वहाँ हमारा लंच है, उसके बाद वहाँ से हम मसूरी निकल जाएंगे स्कूटी पे। ठीक है ठीक है ठीक है। रियोन हाय एवरीवन, प्रमोशन कर रहे हैं हम हैं एक योन में। बेचारी प्यारी सी छोटी सी गाड़ी है हमारी, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ टोबी, एक गाड़ी में आठ लोग। इसको बोलते हैं प्यार, इसको पता नहीं क्या ही बोलते हैं। मेरे हिसाब से फंसना फंसाना जुगाड़ बोलते हैं। अभी सर रिस्पांस तो मेरे पर यार, तो मैं क्या बोलूं, भरोसा पहले गियर पे खींचता रहियो ऊपर पहाड़ पे। ये देखो घर पाओ पास तो वैसे पहला गियर ऐसे घस के पूरा ये आगे, ये मेरी गोदी में बैठी है। ठीक है ये मेरी गोदी में बैठी है, ऐसे फंस के बस मेरे साइड में ही गियर है, कहीं मेरा गियर मत डाल दियो। अभी हम लोग कितना कितना वेट होगा अभी टोटल सब मिला के हमारा? 590 करोड़। खाना हो गया, मीठा हो गया, अब अभी कार्डियो करना। घर तो देख ले, देख ले तुझे मेरी मम्मी के गार्डन दिखाती हूँ। देखा मैंने पीछे ऊपर से देखा, देखा ऊपर से वॉशरूम गए थे ना। मेरी मम्मी को भी ये मेरी तरह प्लांट प्लांट बहुत पसंद है। ये भिंडी लगी है, देख कहाँ पहुँच रही है। भिंडी लग रही है, इतनी मेहनत करो, दो भिंडी लग रही है एक पेड़ पे। नहीं वो खा चुके हैं, कब से खा रहे हैं, 3-4 महीने हो गए। अच्छा, यहाँ से तोड़ तोड़ के नीचे बैंगन लगे हैं। बैंगन, ये मेरी मम्मी ने ये मिर्ची लगाई है, पहाड़ी मिर्ची पूरी लाल हरी काली मिर्चियाँ। वो है अदरक, उधर है उधर वाला, तूने देखा निखिल अदरक का पेड़? भाई देखो तुमने हर तरीके की मिर्ची देखी होगी, देखो बताओ ये छोटा बैंगन है ये मिर्ची है। काली मिर्च, वो अदरक है उधर वाला। अदरक मुरझा गया? मुरझा नहीं है, ये अदरक नहीं है, ये वो है अरबी, इसमें मिक्स है, ये लाल वाली काली हो जाती है जो तुम खाने पे मिर्ची खाते हो ना, ये सारी यही है, इसको सुखा के पीस के। यहाँ टॉबी एंजॉय करते हुए, टॉबी टॉबी ले खा इधर आ, ए ए मत खिला यार उसको टॉबी। वाह ये पलक की क्या है ये मिर्ची? अरे यार यहाँ मम्मी निखिल को बोलते हुए कि इस रास्ते से मत जाओ क्योंकि टूटा फूटा रास्ता है, तुम लोग मुंबई में रहते हो तुमको क्या मालूम टूटा फूटा रास्ता। मम्मी को ये नहीं पता है कि मुंबई में कितने गड्ढे हैं। सही में गड्ढे की बात नहीं कर रही हूँ मैं,
यार थोड़ा चढ़ाई हो जाती है ना तो कहीं